हम सभी को आज के टाइम में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे किसी के पास हमारे लिए टाइम हो या ना हो, या फिर हमें किसी के फ्री होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, हम जब चाहे कहीं भी आ जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। आपने इस जगह को देखते ही आइडिया लगा लिया होगा कि ये कहाँ पे है। एक्चुअली हम आए हुए हैं अपने होम टाउन जयपुर में, और ये मेरा फेवरेट प्लेस है। जब भी मैं जयपुर आती हूँ तो मैं इस जगह पे अगर ज़्यादा टाइम के लिए रुके हैं तो मैं 3-4 बार विज़िट कर ही देती हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने होम डेकोरेशन से रिलेटेड, अपने ग्रोसरी आइटम से रिलेटेड, अपने क्लोथ से रिलेटेड, अपने किचन से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पे एक सिंगल एक नेशनल हैंडलूम के अंदर ही सारी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। पहली बार जो मैंने यहाँ पे विज़िट किया था तो मुझे इनका प्राइस एकदम कम लगा था, क्योंकि मैं पहले ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, बाकी दुकानों पे उन्हें ट्राई करती थी, तो मुझे वहाँ के रेट से और जब मैंने यहाँ का रेट कंपेयर किया तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता लगा। अभी भी ये काफ़ी सस्ता है, बट टाइम के साथ हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे भी आया है। ये वाला शूट मैंने फेब लास्ट में किया था जब हम लोग अपने होम टाउन में आए थे। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 फ्लोर का ये दिया हुआ है। एक्चुअली एंट्री का है हमारा ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद अंडरग्राउंड दिया हुआ है, और उसके बाद 2 ऊपर के फ्लोर दिए हुए हैं। ये है जस्ट हम जब एंट्री करते हैं ग्राउंड का फ्लोर। यहाँ पे सारे ममाज़ अर्थ के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, इन पे भी कुछ इनका डिस्काउंट रहता है। मैंने कभी लिए नहीं तो मैंने पूछा भी नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम हैं वो रखे रहते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे फैंसी आइटम हैं, और ग्रोसरी के सारा इसी फ्लोर पे दिया हुआ है। मैं ज़्यादा इसको घूम के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ लेना देना नहीं होता है इस फ्लोर से। यूजुअली मैं या तो अंडरग्राउंड वाले में जाती हूँ, क्योंकि उसमें जो है हमारे किचन के आइटम दिए हुए हैं, जितने भी है प्लास्टिक है, स्टेनलेस है, ग्लास है, वो सभी कंबाइन एक में ही दिए हुए हैं। चलिए अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ पे नीचे की तरफ स्टेयर्स में भी इन्होंने एंट्री करते ही ये जो हमारे कॉर्नर में जो सेल्फ के लिए जो हम लगाते हैं, जो ऑर्गेनाइजर लगाते हैं, वो दिए हुए हैं। प्लास्टिक में भी है, स्टेनलेस स्टील में भी है, और काफ़ी ज़्यादा सही रेट लगा मुझे उनका। मैंने यहाँ से एक परचेज भी किया था। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मिल्क के मग जो आते हैं। अलग अलग टाइप दी हुई है, बहुत सारे साइज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सबका प्राइस भी जो है वो है डिफरेंट है, बट कह सकते हैं कि चॉइस बहुत ज़्यादा दी हुई है। आप चाहें तो कोई भी चॉइस के खरीद सकते हैं। इनका जो रेट है वो है हमारा 49, 39, 59 से ही स्टार्ट होता है, और उसके बाद जितना भी आपको परचेज करना है उस टाइप से दिया हुआ है। ये है हमारी अलग अलग साइज़ की ग्लास बोतल दी हुई है, जिनका प्राइस है 72 से स्टार्ट होता है, और डिज़ाइन के हिसाब से और साइज़ के अकॉर्डिंग उनका थोड़ा सा वेरी करता है, 72 to 130 तक है। इसके बाद ये देखिए, ये है हमारे पॉटरी, जिनमें हम कुछ भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो बम्बू प्लांट लगा सकते हैं, या फिर जो भी प्लांट आप चाहें इनमें लगा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रेट इनका सही लगा मुझे यहाँ पे। अभी ये दिए हुए हैं शेक के मग कह सकते हैं, या डेकोरेशन के पर्पज से भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ग्लास जार दिए हुए हैं, सभी का प्राइस शायद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्योंकि मैं उनका प्राइस अभी आपको जल्दी जल्दी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इनका प्राइस स्क्रीन पे अच्छे से मेंशन हो रहा था। बाकी मैं डिटेल में एक बार नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे हमारे बाउल हैं, यहाँ पे हमारे होटकेस दिए हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के भी हैं, और फिर प्लास्टिक से रिलेटेड भी हैं, जो भी चाहें आप ले सकते हैं। साथ ही में काफ़ी अच्छी ग्लास की वैरायटी दी हुई है, अलग अलग साइज़ है, शेप है, डिज़ाइन है, यानी कि डिज़ाइन ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं यहाँ पे। दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये। मेरा तो मन करता है कि मैं सारी चीज़ें ही खरीदूँ जब भी मैं यहाँ आती हूँ, बट मैं थोड़ा सा लिमिटेशन के साथ, बट बार बार आके यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर बाउल दिए हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने डाइनिंग टेबल पे एज ए सर्विंग ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनमें कुछ भर के भी इनको डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी डेकोरेटिव आइटम आप इसमें रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे देखिए, ये ग्लास के जो कप हैं वो दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है बाउल के अंदर भी, और इस टाइप की जो आप चाहें तो इनको अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, या फिर किसी को गिफ्ट आइटम देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे गिफ्ट आइटम दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। साथ में है, ये है हमारा एक हैंड जूसर,
अब चलते हैं हम ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे देखिए, ये जो हम डोर पे अपनी बंदरवाल जो लगाते हैं वो दी हुई है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे पहला जैसा डिज़ाइन वहाँ पे नहीं मिलता। अगर मैंने बाई चांस किसी को छोड़ दिया और मैं सोचूंगी नहीं मैं इसे नेक्स्ट टाइम परचेज करूँगी, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिज़ाइन ऑप्शन अलग अलग आते रहते हैं कि आपको दोबारा वो नहीं मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे ये दी हुई है कुछ लटकन। मैंने 3 साल पहले यहाँ से एक लटकन खरीदी थी, एग्जैक्टली वो मेरे पास वैसी की वैसी है। ना तो उसका प्रिंट गया है, मैंने उसे इतनी बार वॉश भी किया है और कुछ भी उसका ख़राब नहीं हुआ है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा चॉइस हमारे पास दी हुई है। किसी के अंदर मिरर है, किसी के अंदर एलिफेंट है, तो किसी के अंदर यहाँ पे पैरट बनाए हुए हैं। इसके आगे हैं हमारे ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं पॉट के साथ में ही है, और नीचे वाले जो है वो लॉन्ग साइज के जो हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं वो दिए हुए हैं। अब इसी के साथ चलते हैं यहाँ पे सारे जो है हमारे वो फ्लावर वास दिए हुए हैं, फ्लावर पॉट है, अलग अलग डिज़ाइन है जिनके अंदर, और अलग अलग साइज और अलग अलग कलर दिया हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पे है हमारे जो फोटो फ्रेम आते हैं वो भी अलग अलग साइज में है। 3 का सेट भी आप यहाँ पे बना सकते हो। मैंने ये चीज़ें ऑनलाइन परचेज की है तो मुझे वहाँ का रेट और यहाँ का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसके साथ ही मैं ये देखिए, ये है कुछ डेकोरेटिव पीस हमारे जो कि हमारे मार्बल के पत्थर से बने हुए हैं वो वाले हैं। और साथ ही में नीचे की तरफ ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो हमारे वॉल पीसेस हैं वो है। ऊपर की तरफ ये देखिए, ये है विंड चैम की तरह ही जो सिंगल हमारी लटकन आती है वो। आप चाहें तो इन्हें अपने डोर के बीच में लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें कहीं पे अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, आप इन्हें कहीं पे भी लगा सकते हैं। साथ ही में ये देखिए, ये है कुछ ऐसे ही जो हमारी बंदरवाल आती है वो, कुछ इन्होंने यहाँ पे पैक करके रखी हुई है और कुछ वाली जो है वो फ्रंट में जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे ये लोग रखते हैं। आप उनमें से चॉइस कर सकते हैं, फिर आप यहाँ से इन्हें ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे हमारे जो है वो डेकोरेटिव पीस ही हैं। ऊपर की तरफ ये देखिए, ये झूमर है, कितने सुंदर सुंदर झूमर यहाँ पे दिए हुए हैं। और कुछ इस वाले सेक्शन के अंदर जो है सारे डेकोरेटिव पीस दिए हुए हैं, आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ये राजस्थानी आर्ट को बयां करते हुए कुछ डेकोर पीसीज हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसीज है, एलिफेंट है, पिकॉक दिया हुआ है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कुछ टर्बन मैन जैसा है और फिर वो लेडी साथ में दी हुई है, और ये भी कुछ डेकोरेटिव पीसीज ही हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ ये हमारे झूमर दिए हुए हैं, और ये कुछ हमारे जो मार्बल से जो डेकोर पीसेस आते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इस पूरे सेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे डेकोर पीस दिए हुए हैं, सारे ही वुड से भी रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, मार्बल से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे, राजस्थानी आर्ट भी आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप जो मन करें वहाँ से ले सकते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं सारी चीज़ें ले जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये देखिए सुंदर सुंदर चौकी हमारी दी हुई है, और ये कुछ भगवान जी हैं हमारे, इसमें गणेश भगवान है, माताएँ हैं, वो सारी मार्बल से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल पीसेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर विंड चैम भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, आप यहाँ से ले सकते हैं। अपनी वॉल को अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वॉल पीसेज भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। इस चौकी का आप रेट देख रहे हैं, ये 105 है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीनाकारी आर्ट की हुई है। ये है हमारे सेम वैसे ही राजस्थानी जो आर्ट है वो है, बट ये साइज़ में थोड़े बड़े हैं इसलिए इनका रेट भी थोड़ा सा हाई है। ये सेम वैसे ही हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, इनका जो प्राइस है वो 110 से स्टार्ट होता है। और ये साथ में देखिए हमारी मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दी हुई है, हमारे दिया हुआ है। ये ब्रास में दी हुई है, जितने भी आपको अभी आप ये दिख रही हैं ये जो चीज़ें हैं ये सारी ब्रास की बनी हुई है। इसमें हमारे नटराज है, गणेश जी हैं और सारी चीज़ें दी हुई है। सेम ऐसे ही ऊपर की तरफ ये है हमारे कुछ फ्लावर वास और आर्टिफिशियल फ्लावर। नीचे की तरफ ये चीज़ें जो है वो मेटल की बनी हुई है, मेटल कार है, मेटल की जो साइकिल आती है वो है।
यहाँ पे जो की होल्डर आते हैं वो भी अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग शेप में भी आपको मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे सुंदर है। बट जो अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो डिज़ाइन आपको मिलेगा वो राजस्थान से रिलेटेड ही मिलेगा। की स्टैंड है, इनका जो प्राइस है वो 115 to 150 है। अभी ये देखिए, सेम वैसे ही आप चाहे तो अपनी वॉल को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। सिंगल सिंगल सी लटकन है और ऊपर की तरफ जो है वो झूमर दिए हुए हैं, और इसी के साथ में इस साइड दिए हुए हैं हमारी जो विंड शैम होती है वो। ये सारे हमारे वॉल पीसीज हैं, आप अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। सारे ही वॉल पीसीज यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ ही यहाँ पे देखिए गायत्री मंत्र दिया हुआ है ओम के साथ में। और यहाँ पे है ये टेम्पल, छोटे छोटे से मंदिर है, अलग अलग साइज में है। आप अपने जो रेंटल टाइप के हाउस में रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये वाले जो मंदिर है वो। और साथ में यहाँ पे देखिए जो कर्टेन भी है वो भी लगे हुए हैं, और ये कुछ वॉल फ्रेम के अंदर ये गन वगैरह है, ये डेकोरेटिव पर्पज से ही आप इन्हें चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये है हमारे नेशनल हैंडलूम का एक विजिट। मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं दिखा पाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रह गई है। तो आप भी अगर यहाँ से नियर कहीं पे भी बिलोंग करते हैं, जब हम कहीं नई सिटी में होते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से चीज़ों को परचेज़ करें, तो इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर की है। आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।